ए बाबा नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। और इस समय जो है हम लोग गोरखपुर में हैं। जी हां, वही गोरखपुर जिसे उत्तर प्रदेश या फिर मुख्यमंत्री का शहर भी बोला जाता है। पहले हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि ये मैटर स्टार्ट कहां से हुआ था और ये मैटर है क्या? ऐसा है कि ये मैटर हापुड़ में हुआ था 29 अगस्त को, और वहाँ पर महिलाएँ, महिला वकील और बहुत सारे वकील जो धरना पर बैठे हुए थे, और पुलिस ने जाकर उनको बुरी तरह से मारा, जिसमें 30-40 लोग तो हॉस्पिटलाइज हो गए थे और बहुत सारे लोग इंजर्ड हैं। तो तब से ही हड़ताल आज तक चल रहा है, हम लोग तब से हड़ताल पे हैं। एक्चुअल में मैटर क्या था, आखिर में उन महिलाओं को मारा गया, क्यों मारा गया, महिलाओं को क्यों मारा गया? अपने मकसद के लिए, अपने डिमांड के लिए वो धरने पर बैठे थे कैंपस में ही, वह कैंपस के बाहर भी नहीं थे, सिविल कोर्ट कैंपस में थे, और वहाँ धरने पर बैठे हुए लोगों को जाकर के आपने पीटना शुरू कर दिया। सर का कहना ये है कि जो वहाँ पे महिलाएं बैठी हुई थी वो अपनी समस्याओं को लेकर के धरना प्रदर्शन पर बैठी थी, लेकिन उनकी बातों को न सुन करके उल्टा उन पे लाठी चार्ज कर दिया गया, उन्हें मारा पीटा गया, और इसी मैटर को लेकर के ये मैटर जो है काफ़ी इस समय जो है आग पकड़ लिया है, और इसी मैटर को लेकर के हर जगह जो है धरना प्रदर्शन किया जा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, तो उनके द्वारा कोई सूचना प्राप्त हुआ है कि हाँ अभी आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, और उन महिलाओं को इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ जानकारी है? आज तक में सिर्फ इतने हुआ है कि बहुत दबाव डालने के बाद से FIR लाज हुआ, और हाई कोर्ट से एक कमेटी इंक्वायरी के लिए बनी है जो 15 तारीख को रिपोर्ट देगी। इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है, और न कोई इसमें कुछ करने को तैयार है, योगी जी के हो या कोई और हो, योगी जी भी नहीं तैयार हैं। योगी जी तो क्योंकि पुलिस का बात है, और पुलिस के लिए योगी जी नहीं कुछ करने जा रहे हैं। एक चीज़ और आप लोग जान लीजिए कि वकील, पूरे भारत की बात बता रहा हूँ, ये वही लोग हैं जो कानून को कानून से बेहतर जानते हैं, और कानून को किस तरह चलाया जाता है इनसे बेहतर कोई नहीं जानता है। और अगर इन्हीं लोगों के साथ और इन्हीं की बात नहीं मानी जाएगी तो फिर जो आम लोग हैं उनका क्या हाल होगा, ये आप लोग बखूबी समझ सकते हैं। एक चीज़ और बताइए वकील साहब, जैसे अभी आज भी लगभग हमको लग रहा है कि कुछ धरना प्रदर्शन हुआ था यहाँ पे, वो गए थे लोग घेराव करने के लिए, तो अगर मान लीजिए आगे FIR दर्ज हो गया है, उस पर कार्यवाही नहीं होगी, फिर बात को इधर उधर घुमा करके फिर वही मैटर सॉल्व कर दिया जाएगा, या फिर आगे आप लोग कुछ और रणनीति बना रहे हैं कि इस पर कोई कार्रवाई किया जाएगा? ऐसा है कि जब तक इस पर कार्रवाई नहीं हो, इंजर्ड अधिवक्ताओं को कम से कम कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा, लोगों को जो दोषी हैं, जो दोषी हैं उनको पनिश नहीं किया जाएगा, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट नहीं लागू किया जाएगा, तब तक हम लोग क्या कहें हड़ताल वापस करें? 15-20 दिन से 16 दिन से हो गया हड़ताल करते हुए, कोई सुन नहीं रहा। तो भाई हमारा अगर कुछ नहीं सुनने वाला ऑर्डिनरी आदमी, रेहड़ी और खोंचा वाले की तो बात आप सुन लोगे, क्योंकि आपका मतदाता है, हम कुछ नहीं है। वकील साहब का कहने का मतलब ये है कि आज लगभग 10-12 दिन से ज़्यादा ही हो गया होगा, लेकिन ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बात को लेकर के लोगों के बीच में जा रहे हैं, अधिकारियों से बात भी कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बहुत प्रयास करने के बाद जो है किसी तरीके से FIR दर्ज हुआ है, और वो FIR देखिए सिर्फ कागजों तक ही रहता है कि उस पर कार्रवाई भी होती है, और जो पुलिस वाले वहाँ पर लाठी चार्ज किए थे वो निलंबित होते हैं या फिर उनके ऊपर कोई कार्रवाई होती है कि नहीं होती है, अब ये तो जाँच का विषय है। और मैं चाहता हूँ कि ये जाँच जो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हो जाना चाहिए, क्योंकि जो आम जनता है उनका भी कुछ ना कुछ काम प्रभावित हो रहा है। और रही बात, अगर किसी पुलिस वाले को या फिर किसी भी अधिकारी को कौन अथॉरिटी दे देता है कि आप कहीं पर भी लाठी चार्ज कर दीजिए, मारपीट दीजिए, उनको भगा दीजिए वहाँ से, अगर उनकी बात को आप नहीं समझेंगे, उनकी बातों को आप आगे नहीं लेके जाएंगे, तो फिर कानून व्यवस्था आप किस हिसाब से चला रहे हैं? और कानून तो इसका मतलब आपके आगे कुछ नहीं है, अब जो अधिकारी हैं जो बड़े स्तर पर बैठे हुए हैं वो लोग जिस तरह से चाहें उस तरह से चला दें। तो वकील साहब अभी आगे क्या प्लान है, अभी आगे क्या होना है यहाँ पे गोरखपुर में? बता दिया भाई हमको कि इंजर्ड लोगों को कंपनसेशन दिया जाए, और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, DM और SSP का कम से कम वहाँ से तबादला तो कर दीजिए, और प्रोटेक्शन एक्ट लागू कीजिए, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कीजिए, जिससे अधिवक्ताओं को कुछ तो वो सुरक्षा हो। हम पब्लिक का काम करने आते हैं, हमको अपना काम करने नहीं आते हैं,
और हमारा कोई प्रोटेक्शन नहीं रहेगा, हम कैसे काम करेंगे। और जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो लोग कान में तेल डाल करके आराम से सोए हुए हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भाई ये लोग लड़ेंगे, परेशान होंगे, फिर लास्ट में थक हार करके शांत हो जाएंगे। लेकिन मैं बता दूं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, अभी तो ये स्टार्टिंग है। अगर आगे कार्रवाई नहीं होगी तो इसके ऊपर और भी बहुत सारा एक्शन लिया जाएगा वकील लोगों के द्वारा। जय हिंद, जय भारत। कमल भैया।